बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अपने किचन में बीफ के पाए जो हैं इनको साफ करने का तरीका बताऊंगी। जिसके लिए मैंने चार अदर जो है बीफ के पाए लिए हैं, देख सकते हैं इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। और एक चम्मच जो है मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये मैं पानी में डालूँगी। पानी देखें हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, बॉयल आ रहे हैं। इसमें जो है बेकिंग सोडा ये शामिल कर दूँगी और इसे फिर एक मदद से या चम्मच की मदद से आप इसका मिला लें। पाए को आप इस तरह पकड़ कर इस तरह अंदर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तकरीबन इसे मैंने एक से डेढ़ मिनट के लिए गर्म पानी में रखा है। अब इसको जो है पानी निकाल कर तेज छुरी के साथ करना है ताकि ऊपर से चीज जो अच्छे से उतरे। अगर आप हाथ की मदद से भी करें तो ये उतर जाएंगे, पर वो गर्म होता है पानी के लिए। ये भी पाए भी हमारे गर्म हो जाते हैं, इसलिए हमें इसे छुरी की मदद से निकालें। थोड़ा सा और इसको गर्म पका लेंगे। करेंगे और जो थोड़े से बाद रह जाएंगे इसको जो है हम जला भी सकते हैं। वैसे तो ये देखें अगर हाथ की मदद से आप करें तो ये सारे ही उतर जाएंगे। इस तरह हम दूसरे साइड से भी इसको कर देंगे, इसको अंदर रख देंगे। इस तरह भाई निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही साफ जो ना उतर जाते हैं बाद इस तरह। फिर से इसे रखेंगे ताकि जो थोड़े बहुत पाजायके हैं वो भी उतर जाएं। आप इसका करके दबा के बाल जो है साथ फेंक सकते हैं। इनको भी उतार नहीं देते छुरी की नोक से करके यहाँ से
वाले से ऐसे कर देते हैं, साफ कर लिया। अभी मैं इसको धो लूंगी और जो है बाकी के जो छोटे छोटे बाल हैं इनको हम थोड़ा सा जला लेंगे ताकि सारे पाए जो है हमारे अच्छे से साफ हो जाए। देख सकते हैं दूसरे बाल जो हैं बड़े वाले वो तो सारे ही उतर गए हैं। अब इसको थोड़ा सा जलाएंगे और हमारे जो है पाए अच्छे से साफ हो जाएंगे। वैसे अगर आप इस तरह करके हाथ की मदद से भी उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, पर जो ज़्यादा छोटे बाल हैं वो तो नहीं उतरेंगे, उनको हम जला ही लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इसे धो लूँगी और धोने के बाद इसे चूल्हे की आँच पे जो है आग पे ही जला लूँगी इनके बाल, ताकि ये अच्छे से सारे इसके बाल जल जाएं। ये देखें मैंने इसको धो लिया है, धोने के बाद आप देख सकते हैं सहायता से बाल जो हैं उतर गए हैं, छोटे छोटे बाल जो हैं आप देख सकते हैं अगर आपको नजर आए। ये देखें ये बाल जो हैं ये हमें जलाने हैं ताकि पाए हमारे अच्छे से साफ हो जाएं। ऐसा करके आप जलाएं, और छुरी की मदद से आप इस तरह उससे साफ कर लें इनको। ये वाला तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी जो है पाए साफ हो जाते हैं। थोड़े से गीले हैं, अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपने क्या करना है कि बाल जो है पहले पानी से साफ कर लेने हैं और बाद में इसको अच्छे से धोकर थोड़ी देर के लिए खुश करना है, ताकि जो है बाल आग पे जलाने पे अच्छे से जो है साफ हो जाए, या किसी कपड़े के साथ भी आप साफ कर सकते हैं। देखेंगे बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो हमारे पाए साफ हो गए। यहाँ पे थोड़े से रह गए, और ये देखें जी पाए हमारे अच्छे से साफ हो चुके हैं। अब मैं इसे एक दफ़ा फिर से धो लूँगी ताकि जो थोड़े बहुत बाल इसमें रह गए हैं चुपके चुपके वो उतर जाएं, वैसे तो सारे ही जल गए हैं। और इसे एक दफ़ा फिर से धो लूँगी, थोड़ा सा एक दफ़ा फिर तसल्ली कर लें। यहाँ पे ज़्यादा बाल हैं, ये देखें अब मैं इसे फिर से धो लूँगी। ये देखें जी पाए हमारे अच्छे से साफ हो चुके हैं, इसी तरह जो बाकी के पाए उनको भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी और बाद में आपको सारे दिखा दूँगी। आप देख सकते हैं ये तरीका बहुत ही आसान है और बाल भी जो है अच्छे से साफ हो जाते हैं। पाए देखिए पाए जो है मैंने साफ करके अच्छे से बाल उतार के उसके बाद उसको आग पे जो है चूल्हे की आग पे इसके छोटे छोटे बाल जो है वो जला लिए थे और अब फिर से इसको मैंने धो लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है साफ हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।